तो बताओ ससुराल में कैसा लगा शादी के बाद? फर्स्ट टाइम गए तो स्टार्टिंग में पहले साड़ियाँ धुलने लगी है, पहले साड़ी धो रहे। ये ओहो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं हिना कार्तिक खसना स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ब्लॉग्स उत्तराखंडी पर। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और अभी देवर जी लोग गए हुए हैं कल दुर्गौन आज आ जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी हमारा ना काम ही फिनिश नहीं हो रखा है, कपड़े धोने बचे हैं, बाकी सफाई वाली हो गया, आज कपड़े धोने हैं सबके ढूंढ के। शादी वाले घर में ना यही रहता है कि 4-5 दिन तक काम ही खत्म नहीं रहता है किसी का भी, और जो हमारे वहाँ मेहमान आए होंगे उनका भी वैसे ही होगा क्योंकि महिला संगीत के लिए, हल्दी के लिए, शादी के लिए ड्रेस चेंज हो जाती है और बारिश की वजह से कीचड़ भी लग गया था तो कपड़े धोने ही हो जाते हैं। और आज हमारे भी कपड़े धोने हैं, आधे आज धोएंगे आधे कल परसों धोएंगे। तो ठीक शादी का काम खत्म होने वाला था, आज कपड़े धुल जाते फिर और कल हमारे घर में कथा है तो फिर से 4-5 दिन और काम बढ़ जाएगा। कथा के दिन भी कल मेहमान आएंगे काफ़ी लोग तो वही चीज़ें हो जाएंगी, तो काम ही काम होने वाला है 4-5 दिन तक। अभी पापा लोग जा रहे हैं भरारी सामान लेने के लिए कथा के, तो पापा हो चुके हैं रेडी। जीजू भी जा रहे हैं आज अपने घर, वो हमारी एनिवर्सरी पे आएंगे और पापा लोग जा रहे हैं भरारी, तो शाम को देवर जी लोग आ जाएंगे उनसे भी मिलाएंगे। तब तक हम अपना काम कर लेते हैं और बीच बीच में मैं आपको दिखाते रहूँगी कि घर पर क्या क्या चल रहा है। गोल्डी को ना यहाँ पर पूरियाँ दी है अभी, ये देख कैमरा देखते ही क्या होता है इसे को। तो जीजू जा रहे हैं, जीजू जा रहे हैं अपने घर को और दीदी लोग यहीं से हल्द्वानी जाएंगे। लक्को हल्द्वानी कब जा रहे हैं आप? हल्द्वानी कब जा रहा? अभी नहीं। तो गाइस जीजू यहीं से जा रहे हैं घर को, दीदी लोग जाएंगे हल्द्वानी, तो दीदी लोग अगले महीने छुट्टी लगेंगे जून पर, तब आएंगे या जीजा जी वहाँ जाएंगे। और फिलहाल तो मैं करती हूँ काम। लक्को पापा बाय बोल रहे, बाय बोलो। तो गाइस मैं मिल रही हूँ आपको सीधे नाश्ता करने के बाद। अभी हम जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए, तो अभी कपड़े ढूंढ रहे थे एक बार सारे, तो इतने कपड़े हो रखे हैं टप में एकदम भर भर के ले जा रहे हैं, नीचे अटक नहीं रहे ऊपर में रह गए, बाकी दुपट्टे में बात है, फिर इस थैले में देखो इतने कपड़े अटका रखे हैं, सारी सब चीज़ें इसमें, फ्रॉक जूते इतने कपड़े धोने जा रहे हैं हम लोग। और अभी सुखाने के बाद देखें बहुत सारे दिख नहीं रहे हैं, एकदम ऐसे दबा दबा के ले जा रहे हैं। तो कपड़े धो के लाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, और वहाँ पे तो ब्लॉग बना नहीं पाऊँगी क्योंकि इतने कपड़े धोने हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी कपड़े धोने के लिए। तो अभी पहुँचा देंगे ऊपर को टब, तो धो के लाते हैं कपड़े फिर मिलते हैं आपसे। हम जा रहे हैं कपड़े धोने, मम्मी चंदा दियो दीदी और मैं, तो गुंजन भी है साथ में, दियो और गुंजन अभी आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा वहाँ तक ब्लॉग बनाऊँगी फिर गोप्रो उनके हाथ घर भेज दूँगी क्योंकि वहाँ पर पानी का काम है पूरा, और आज ज़्यादा कपड़े होने के कारण हम अंदर बाथरूम पर नहीं धो रहे हैं, वहीं जा रहे हैं सीधे धारे पर। तो आपने धारा तो देखा ही है, गांव में एक धारा है धरूर बोलते हैं जिसे, तो ज़्यादा लोग जब ज़्यादा ही कपड़े होते हैं तो वहीं जाते हैं, और आजकल ठंडियों में नहीं जाते गर्मियों पर ज़्यादातर जाते हैं, तो सब लोग आगे से चले गए कपड़े ले गए और मैं पीछे से जा रही हूँ अभी। आज मौसम भी कुछ आज क्लियर वाला हो रखा है, धूप आई है, अब शाम को पता नहीं कैसा रहता है। तो ये देखो एकदम आसमान साफ, रोज यही सीन देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, सीधे चलते हैं धारा। तो हम पहुँच गए धारा, धारा पहुँचते हैं, इन लोगों को प्यास लग गई इन दोनों को, ये देखो ये तो इतने कपड़े धोने हैं, मम्मी टब से निकालते रह रहे सारी लांचा उधर। कोट पैंट वैसे हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं बट अभी फिलहाल ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं, बाद में दे देंगे क्योंकि हल्का हल्का मिट्टी लगा है और बारिश से भीग गए थे ना तो उनसे स्मेल आ रही है, इसलिए धो लेते हैं घर पर ही। लगा दिया है धारे पे टप, अब इस पर मिलाएंगे सर पे, तो पूरा पैकेट खत्म होने वाला है, इससे भी पूरा होगा नहीं होगा पता नहीं। आज लंगूर भी आए हुए हैं, ये दौड़ लगा रहे, अभी एक और आएगा वहाँ है, यहाँ भी है, यहीं रह गया वो हमें देख के आ गया ये। ओहो क्या कर रहे हैं, नीचे आ जाओ कपड़े धो दो यार, बहुत ज़्यादा कपड़े हुए हैं। भाई स्टार्टिंग में पहले साड़ियाँ धुलने लगी है, पहले साड़ी धो रहे। तो गाइज मैं भी धोती हूँ कपड़े फिर मिलेंगे आपको, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो मैं ब्लॉग बनाने में ही रह जाऊँगी जब गोप्रो साथ में रहेगा। तो कपड़े धोते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। इसमें मिल रहे हैं आपको धारे से सीधे घर पे, तो कपड़े धो के हम लोग आ चुके हैं घर पे, नहीं इतने कपड़े धो लिए सारे, साथ में लहंगे धूप में आज भी डाले हुए हैं क्योंकि सूखे नहीं है ये,
तो सारे कपड़े धो लिए। तो गाइस मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम से, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं हुआ मुझे, कपड़े धोने थे, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और गोप्रो में भी बैटरी डाउन हो गई थी तो मुझे पता नहीं चला, तो गोप्रो अभी भी चार्ज में। मैंने फटाफट से मिस्टर जी से आईफोन मांग दिया ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि देवर जी और देवरानी जी आ गए हैं अपने दुर्गौन पलटाने से, यानी कि पग फेरे की रस्म कहते हैं, और मतलब नीचे को पग फेरे बोलते हैं, यहाँ दुर्गौन बोलते हैं शायद। तो वो लोग आ गए और उनके साथ आ रखी है उनकी नानी, बुआ नानी आ रखी है दुल्हन की, तो वेलकम करते हैं उनका। अभी आरती भी उतारेंगे ऊपर, तो मैं भी ऊपर जाऊंगी, मिस्टर जी उस टाइम वीडियो बनाएंगे। अपने ससुराल से फर्स्ट टाइम शादी के बाद फर्स्ट टाइम ससुराल से। बुआ नानी भी पहुंच गए, राम बैठो ऊपर आप। तो पहुंच गए मायके से, कैसा लगा? आपने बोला जीते रहो, आपने बोलना चाहिए था। तो बताओ ससुराल में कैसा लगा शादी के बाद, फर्स्ट टाइम गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था। अच्छा, गोल्डी ने आपको मिस किया है, वहाँ पे से आवाज लगा रहा है। मम्मी लेके आ गए शेयर। बस मेरे को तो बोल दिया था, मेरे को बोल दिया था जीते लो। आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे बोलना ही। ये तो एकदम स्पीड में आशीर्वाद दिया जा रहा है यहाँ पे। हाँ बुबू से, चलो बुबू को मिलने। तो अभी नए दुल्हा दुल्हन जा रहे हैं हमारे घर की नई जोड़ी बुबू से आशीर्वाद लेने। अब देती हूँ देवर जी को उनकी रूम की चाबी, क्योंकि कल ये लोग चले गए थे तो उनकी रूम की चाबी मेरे पास ही है, मैंने ही रखी थी, तो अब इनको दे देते हैं इनकी चाबी। बाप रे, ये कल स्कूटी पहुँचाने वाले से शाम को अभी पहुँच रहे हैं, जीते रहो। तो गाइस हमारे घर में कलकत्ता है और दुर्गौन वाले भी घर पहुँच गए हैं, तो पापा लोग यहाँ पर कल की तैयारी में लगे हुए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर अंदर ये दीवार का उसी लुक बना रहे हैं लकड़ियों का, तो ये कल हवन में यूज होगा, कल कथा है जब तक। तो गाइस यहाँ पर लंबी कूद चल रही है और यहाँ पे आर्मी वाले हैं, सब तैयारी चल रही है। ये ओहो, ये गुड बॉय। गाइस नीचे गेम चल रहा है, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पर कल हवन की तैयारी चल रही है, तो मैं ऊपर जाती हूँ, मैं भी रात की सब्जी की तैयारी करती हूँ। और गोल्डी ज्यादा ही आवाज कर रहा है तो उसे खोल दे रही हूँ, थोड़ा सा मिस्टर जी लोग रोड में आए तो वो घुमा के लेके आएंगे, तो मैं चलती हूँ ऊपर। तो आपको शादी के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कमेंट करके बता देना, वैसे कमेंट से तो पता चल जाता है कि पसंद आ रहे हैं करके। तो यहाँ पर बुबू लोग ना ब्लॉग देख रहे हैं, बुबू ने पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं कुछ, तो कोई रिश्तेदार भी आए हैं वो उन्हें भी दिखा रहे हैं बुबू साथ में, और गोल्डी यहाँ पे अकेला है तो ये भौंक रहा है। तो गाइस मैं आ गया अभी किचन पे, शाम के बज गए हैं सर, तो अभी शाम की सब्जी की तैयारी होगी रात के, तो उसमें लक्कू के लिए दूध गर्म कर रहे हैं दीदी, और सब्जी बना रहे हैं हम सब लोग। आज खाना बनाने की जिम्मेदारी चारों को मिली है, दो बहुए ननन जिठो, यानी कि चार बहने हैं हम लोग, तो चारों के लिए खाना बनाना है आज। मम्मी भी हेल्प कर रहे हैं बीच बीच में, तो आज सब्जी ये बना रहे हैं इधर, तो अब तो रोज ब्लॉग में दिखना बोलेंगे। और हाँ थैंक यू बोल दो, कॉन्ग्रेचुलेशन करके, काफी कमेंट आ रहे थे आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच देवराज जी की ओर से आपको, और मेरे ओर से भी धन्यवाद सब। तो अभी सब्जी बन रहे हैं और अभी सब लोग, अभी रायता भी बनेगा, तो रायते के लिए खीरे भी छिल रहे हैं और खीर बन रही है खीर के लिए, और पूरी और रोटी बनेंगे आज के शाम के खाने में। तो बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से, एक बार काम कर लेते हैं साथ में, ठीक है? यहाँ पे सब्जी बन रही है, मिक्स वेज बन रही है, और यहाँ पे खीर की तैयारी चल रही है जो कि देवरानी जी बना रहे। आज पहली रसोई है तो अच्छा अच्छा खाना बनेगा, नेक भी मिलेगा। और पनीर अभी डालनी है, बाकी रायते के लिए खीरा। और तो गाइस किचन में बस हम लोग हैं, बाकी सब लोग नीचे, क्योंकि 7 बज चुके हैं, 7 से ज्यादा हो गया टाइम, और सब लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आपको पता है 7 बजे मेरा टाइम है। और कभी नेट प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग अपलोड या तो दूसरे दिन करते हैं, या थोड़ी देर में 7:30-8 बजे तक लास्ट हमारा ब्लॉग आ जाते हैं। तो शादी वाला ब्लॉग भी आ गया है, तो शादी वाले ब्लॉग से भी लोग देख रहे हैं, और दुल्हन ने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, देवर जी भी देख रहे होंगे अपने फोन पर पता नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं फिर बाद में देखेंगे। तो जाने लगे दूध में चावल, अमूल दूध डाल दो, पता नहीं यार
राइट, मैं आ गई हूँ खाना खा के अपने रूम पे, और खाने का दिखा नहीं पाई ऊपर क्योंकि मेहमान लोगों को भी खिलाना था तो थोड़ा सा बिजी हो गई थी खाना खिलाने में। और आज के ब्लॉग में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि काम ज़्यादा था तो उसके कारण बिजी हो गई थी और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, काम को कंटिन्यू करना था क्योंकि। तो इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो इस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इन्हें मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।